आज माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ साहब की कोर्ट में, जैसा कि सभी को पता था, मैटर लिस्टेड था उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का मामला, जिसमें 11:30 बजे सुनवाई हुई। तो उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता साहब, जो पिछली डेट पे भी लगातार बुलाए गए थे, आए थे और उन्होंने पिछली डेट पर टाइम लिया था हमें सबमिशन करने का, चार्ट देने का रिटर्न में। तो उन्होंने पूरा चार्ट बना के लेके आए और उन्होंने अनरेबल कोर्ट को दिया, लेकिन अनरेबल कोर्ट ने उसमें इस बात पर ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, आप हमें इसे रजिस्ट्री से लाइए, अब हम इस केस को फाइनल करने जा रहे हैं, हम ऑर्डर करेंगे, इसमें ऑर्डर में हमें चीज़ें सब कुछ उस तरह से चाहिए, रिकॉर्ड में जो चीज़ें। यूनियन ऑफ इंडिया के काउंटर एफिडेविट में साफ है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के लिए शिक्षा से संबंधित खर्च के लिए हर बार जितना पैसा मांगा गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया, और यहां तक कि जो पैसा दिया गया वो एक्सेस रहा, खर्च भी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जब पैसा खर्च भी नहीं हुआ, पेंडिंग है, एक्स्ट्रा है, तो उसमें से उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को 17,000 रुपये दे दिया जाना चाहिए, जैसा कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल पीठ का पीछे निर्णय था। उस आधार पर जब दे दिया है आगे, तो उस पर कर देना चाहिए। इसी आधार को उन्होंने कहा कि अब आप इसकी कॉपी भी सप्लाई कर दीजिएगा और इसको रजिस्ट्री के माध्यम से जी साहब को कहा दे दीजिएगा। इसीलिए वो 14-15 दिन का टाइम की कोई बात नहीं, उन्होंने काम बहुत जल्दी से लगा रहे हैं और 7 सितंबर के लिए इसको फिक्स किया है कि 7 सितंबर को हमारे पास कॉपी आ जाएगी और फिर हम इसी आधार पर इसको ऑर्डर के लिए रख लेंगे। और अनरेबल कोर्ट पूरी तरह से ठीक है, आपका भी यही कहना है कि जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत पैसे दिए गए, आप इस बात को मानते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया का जो काउंटर एफिडेविट सही है? जब दोनों चीज उत्तर प्रदेश सरकार भी उसको मान रही है, उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता भी मान रहे हैं और यूनियन ऑफ इंडिया के वकील भी मान रहे हैं, तो यही तो हमारी डिमांड है, यही हमारी मांग है। और उसके आधार पर उनकी अपील, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपील डाली है, वो पूरी तरह से डिसमिस इसी आधार पर हो जाएगी और ऑर्डर 7 तारीख को संभवतः इस मामले में आ जाएगा या उसके बाद ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, जिससे कि 17,000 रुपये की जो सैलरी मांगी गई है वो पूर्ण रूप से ठीक है और सिद्ध हो रहा, पैसा भी है। पहले ये बात आई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनुदेशकों को 17,000 रुपये के हिसाब से देने के लिए नहीं है, सही बात आई कि 9,000 हम दे रहे हैं, लेकिन अब बात क्लियर हो चुकी कि फंड है, एक्सेस है, उसमें से दे सकते हैं, तो शिक्षा से बड़ा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। और केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा की नीति के आधार पर शिक्षा के लिए सभी को शिक्षा मिले, इसलिए तभी मिलेगी सभी को शिक्षा जब हमारा अनुदेशक उत्तर प्रदेश सरकार के तहत शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी तरह पढ़ाएगा, अच्छी तरह काम करेगा, उसका आर्थिक पोषण होगा, आर्थिक शोषण उसका नहीं होगा, और आर्थिक शोषण उसका होगा तो किस तरह से वो अपना जीवन यापन चलाएगा, कैसे आगे प्रोसीडिंग करेगा, किस किस तरह से आगे चला पाएगा। और इसी आधार पर हमारा ये 7 सितंबर इसमें दी गई है और संभवतः अब 7 सितंबर के बाद हमारा फैसला सुरक्षित हो जाएगा और इसमें फैसला आके उत्तर प्रदेश के तमाम अनुदेशकों को लाभ होगा और जो अनुदेशक आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आर्थिक अभाव की वजह से उनका जीवन नारकीय हो गया है, उसमें भी सुधार आएगा, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।